नमस्कार, आज हम जानेंगे कि हमारे निवास स्थान पर जादू टोना हुआ है या नहीं। आइए जानते हैं कुछ प्रयोग करके कि हमारे साथ जादू टोना तो नहीं हो रहा। हो रहा है तो किस प्रकार का हो रहा है, तो आइए जानते हैं श्री ब्रिज मंसूरी जी से यह उपाय। जय साईं राम दोस्तों, आज मैं ब्रिज मंसूरी आपको बताऊंगा कि यदि आपके घर में जादू टोना हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा। कैसे जान सकते हैं आप कि आपके घर में जादू टोना हुआ है, ये सब कैसे पता चलता है, इसकी डिटेल आज मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपके घर में जादू टोना हुआ है तो आप कुछ प्रयोग करके देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में आपके निवास पर जादू टोना हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं वह प्रयोग कौन से हैं। सर्वप्रथम आप एक नींबू लीजिए, उसमें एक छोटी सी पिन डाल के उस पिन पर धागा बांध दीजिए और उस नींबू को कहीं पर लटका दीजिए, ऐसे दरवाजे के ऊपर या कहीं लटका दीजिए जहां से बाहर की हवा उस पर टच करती रहे। यदि वह नींबू विपरीत दिशा में घूमता है, यानी जिस तरफ हवा है उस तरफ ना जाकर दूसरी तरफ जाता है, तो आपके निवास पर क्षेत्रफल टूना है। क्षेत्रफल एक टूना होता है, जादू टोना होता है, वो है। फिर उसका समाधान करना होगा। वैसे आपको बता दूं कि जादू टोना होता नहीं है, बहुत कम होता है। अधिकतर लोगों को वहम होता है जब राहु नीच होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में जादू टोना नहीं होता है। ग्रह चाल खराब होते हैं, ग्रह चाल की वजह से हमें लगता है कि हम पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि एक तो आप नींबू लटकाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पर जादू टोना हुआ है, क्योंकि जब नींबू विपरीत दिशा में घूमेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम पर ये जादू टोना हुआ है। एक आप पानी लीजिए, एक कटोरे में पानी ले लीजिए, उस पानी में कुछ बूंदें आप डालेंगे सरसों के तेल की और एक टिकिया डालेंगे आप मुश्कपुर की। एक मुश्कपुर होता है, एक आप कुछ बूंदे सरसों के तेल की डाल देंगे और उसको पड़ा रहने देंगे, तो फिर यदि कलर येलो हो जाए, क्योंकि जब आप मुश्कपुर डालेंगे तो कोई कलर नहीं होगा, बस तेल का कलर होगा, पूरी रात उसको पड़ा रहने दीजिए और यदि उसका कलर पीले रंग का हो जाता है और आपको कुछ जीव उस पर मरे हुए नजर आते हैं, मच्छर को छोड़कर कुछ और मरा हुआ नजर आता है, तो आप समझ जाइए कि कोई हल्का फुल्का जादू टोना कोई नजर आपके घर में लगी है। सिर्फ नजर लगी है और कुछ नहीं है। अब हम तीसरे प्रयोग की बात करेंगे। अपने निवास के बिल्कुल बाहर, जैसे दुकान हो या कोई आपकी फैक्ट्री है, कोई उद्योग है, वहां पर आप नींबू और हरी मिर्चें लटका दीजिए। नींबू और हरी मिर्चें लटका देनी है, यह अगले शनिवार तक, ये शनिवार को लटकानी है और अगले शनिवार तक पूर्ण रूप से सूखनी नहीं चाहिए। यदि ये पूर्ण रूप से पहले ही सूख जाए, मतलब बिल्कुल सूख जाए, तो समझना चाहिए कि आपके निवास पर काला जादू हुआ है। काला जादू हुआ है यदि ये पूर्ण रूप से सूख जाती हैं तो, वरना नहीं। यदि पूर्ण रूप से नहीं सूखती हैं तो काला जादू नहीं हुआ है, ये आपने मान के चलना है। परंतु यदि पूर्ण रूप से सूख जाए तो ये समझना चाहिए कि काला जादू हुआ है और इसका फिर समाधान हमने करना है। ये समाधान हमने क्या करना है ये मैं आपको अपने अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। आज हम ये मात्र बताने की का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपके निवास पर कोई जादू टोना है भी या नहीं। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पर जादू टोना हो गया है तो उससे कुछ सवाल कीजिए,
यदि उस व्यक्ति को रात को सपने ज्यादा आते हो, पेट खराब हो, तो समझना चाहिए उसका राहु खराब है, जादू टोना उस पर नहीं हुआ है। मात्र राहु खराब होने की वजह से उसे ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि उस पर जादू टोना हुआ है। अब हम एक प्रयोग और करेंगे। आप एक चपाती बनाएंगे, चपाती रात को बनानी है करीब 10 बजे के बाद, 10 बजे से पहले किसी सूरत में नहीं बनानी है। 10 बजे के बाद एक चपाती बनाइए और जो जिस आटे की चपाती बनानी है वह उसी समय गूंदना है, बाकी आटा यूज नहीं करना है, सिर्फ कच्चा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, गूंदा हुआ आटा किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, मात्र आपने आटा ही गूंदना है और इसी काम के लिए गूंदना है। आटे को गूंद कर आप उस पर एक दीपक जला दीजिए, मिट्टी का दीपक हो, सरसों के तेल से उस पर जला दीजिए और उसको रख कर सारी रात जलने दीजिए। आप सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सुबह उठेंगे तो आपने देखना है यदि दीपक के नीचे वाली चपाती टूट चुकी हो, छेद हो चुका हो और दीपक सीधा जमीन पर जा लगा हो, तो फिर आपके निवास पर सीरियस टोना हुआ है। और यदि दीपक चपाती के ऊपर ही है, कोई नीचे तक नहीं पहुंचा है, तो फिर कोई टोना नहीं हुआ है, कोई जादू नहीं हुआ है। मैं फिर एक बार बता दूं कि ज्यादातर जादू टोना नहीं होता है, राहु की दशा में लोगों को लगता है कि हम पर जादू टोना हो गया, क्योंकि राहु कुछ इसी प्रकार के कार्य करते हैं जैसे जादू टोना में होते हैं। तो ये जो प्रयोग मैंने बताए हैं ये कीजिए, और इनके लिए अभी मैं आपको इतना उपाय बता देता हूं कि 2 चपाती रात को बनाकर सुबह उस पर दीपक जलाकर बहते पानी में छोड़ दीजिए, बासी चपाती, और ऐसे ही 2 चपाती बनाकर अचार के साथ किसी गरीब को दे दीजिए, तो ये जादू टोना आपका खत्म हुआ। अब बहुत से लोग मेरे को फोन करते हैं, टीवी पर भी जब मेरा प्रोग्राम कोई देखते हैं तो फिर मुझे पूछते हैं कि कैसे रोकना है ये सब, हमने जादू टोना यदि कोई हमारे निवास पर फेंक दे तो क्या करें। जादू टोना को यदि कोई फेंकता है तो जल प्रवाह मत कीजिए, उसको फेंकिए नहीं, उसको आग ही लगानी है, आपने कहीं पर रखकर उसको आग लगा दीजिए और जब उसकी राख बचे उस पर जूते मारिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है आपने। इतना करने पर जादू टोने का असर समाप्त हो जाता है। वैसे एक बार फिर बता दूं कि 99% जादू टोना नहीं होता है, मात्र ग्रह चाल ऐसे होते हैं जब ग्रह खराब होते हैं तो लगता है कि जादू टोना हो गया। आप किसी ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्री मेरे पास ले आइए जो कहता है जादू टोना हुआ है, तो मैं जन्म पत्री देखकर ही आपको बताऊंगा कि इस पर जादू टोना नहीं हुआ है या ग्रह चाल है। मैं बताऊंगा आपको कि ये ग्रह है और ये बंदा कह रहा है कि मेरे पर जादू टोना हुआ है। आपने मेरे को नहीं बताना कि ये बंदा कह रहा है जादू टोना हुआ है, मैं बताऊंगा आपको कि इस बंदे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। अब जन्म पत्री देखकर हमें कैसे पता चल गया कि इस बंदे को जादू टोने की, क्यों? क्योंकि ग्रह चाल ऐसे हैं और वो बंदा ऐसी फीलिंग लेता है। तो ये था मेरा जादू टोने पे, ये मैं कार में ही बैठा था अभी, तो मैं आपको वहीं पे बैठ के ये सारा वीडियो बना रहा हूँ, डीएवी कॉम्प्लेक्स के बाहर अमृतसर। मेरा बेटा यहाँ क्रिकेट सीखने आता है, उसको लेने के लिए आया था, तो यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो भविष्य में जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिलते रहेंगे और हमारा रिश्ता बना रहेगा। सब्सक्राइब बटन बिल्कुल इधर साइड में है, राइट साइड, उसको क्लिक कर दीजिए और फिर एक घंटी का पिक्चर आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यूट्यूब पर यदि सर्च की में जाके आप सर्च करना चाहें तो ब्रिज मोहन सूरी लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मेरे से आप फोन पर भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप आराम से मेरे को कर सकते हैं। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए, ध्यान रखिए।